योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां सिर्फ इकाना स्टेडियम के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी साफ देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो इकाना स्टेडियम की तरफ आने वाला रास्ता, यानी जब एयरपोर्ट की तरफ से वीवीआईपी इकाना स्टेडियम के लिए आएंगे तो इस रास्ते को भी किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये काली और पीले रंग की जो पट्टियाँ हैं, जो बीच में डिवाइडर्स हैं, इन सभी को पेंट करने का काम चल रहा है। आज सुबह से ये सारा काम शुरू किया गया और यहाँ पर जो मजदूर जो कारीगर लगे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें कहा गया है जल्द से जल्द इस काम को उन्हें पूरा करना है। सिर्फ ये पट्टियाँ ही नहीं रंगी जा रही हैं बल्कि अगर बात करें तो दूसरी तरफ ये सड़क भी आप देख सकते हैं, सड़क को भी बनाया जा रहा है, इसको भी मेंटेन किया जा रहा है। और दूर वो देखिए आप सामने किस तरह से सड़क को बनाने के लिए सभी पूरी टीम जो है पीडब्ल्यूडी की वो लगी हुई साफ देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर इस भव्य समारोह में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा विशिष्ट अतिथियों के लिए व्यवस्था की जा रही है, खुद प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, समारोह की भव्यता को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। और जितने भी ये काम हो रहे हैं, चाहे वो डिवाइडर्स की पुताई का काम हो, चाहे वो फुटपाथ की पुताई का काम हो या फिर सड़क के निर्माण का काम, सभी लोगों को ये हिदायत दी गई है कि दिन रात काम करें और जल्द से जल्द यहाँ पर इस सारे काम को पूरा कर लिया जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।